यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। बचपन से अभी तक आपने सुना होगा कि खाना नहीं खाओगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी। मम्मी पापा से इसको लेकर खूब डांट भी खाई होगी, लेकिन क्या हो कि आपका खाना ही आपका दुश्मन बन जाए, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दे। सुनकर अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच बात है कि हमारी फूड हैबिट हमारे अच्छे और बुरे फ्यूचर को डिसाइड कर सकती है। इस मिस्ट्री से पर्दा जरूर हटाएंगे और इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। लेकिन गुरुदेव, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि जो लोग बहुत तेजी से खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बिना चबाए खाना खाते हैं, ऐसे लोगों पर कौन से ग्रह इफेक्ट करते हैं और ऐसे लोगों को कौन से अशुभ लाभ मिलते हैं या शुभ लाभ मिलते हैं? लगन और लगन के अंदर उसका दुश्मन यानी कि विपरीत ग्रह बैठा हुआ हो तो ये लोग, और लेकिन वो शुभ हो, अब ये कोई भी ग्रह हो सकता, तो ऐसी अवस्था में इंसान के अंदर थोड़ी जल्दबाजी होती है, वो अपने काम के ऊपर फोकस करने वाला होता है। कहने का मतलब, उसको काम चाहिए और वो भी जल्दी चाहिए, और अपने कामों को जल्दी से करने के लिए वो तेज़ी से खाता है, ये एक आदत पड़ जाती है। लेकिन ऐसे इंसानों की एक और बहुत खासियत होती है कि इनको जीवन के अंदर सब कुछ चाहिए और बहुत ज़्यादा चाहिए, और यही वो लोग हैं जो वर्क एल्कोहलिक भी होते हैं, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा काम करने की आदत भी पड़ जाती है। और ये लोग अक्सर दो ही आदतों के शिकार होते हैं, या तो पड़ा पड़ा खाना, चाय, दूध सब ठंडा हो जाता है और ये नहीं खाते, और या फिर इनको एक दूसरी आदत पड़ती है कि खाना खाते तो बहुत तेज़ी से और जल्दबाजी में खाते हैं। अब ये बुरा तो है नहीं, ठीक है, लेकिन ये बात सत्य है कि जो इंसान ये तेज़ी से खाते हैं वो नमक ज़्यादा ना, क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से, नमकीन चटपटा ज़्यादा खाने से बेटा ये आपके ब्लड प्रेशर को हाई करेगा। ये खाना तो तेज़ खिलाएगा लेकिन डिसीजन सही नहीं दिलवाएगा। और जो तेज़ खाने वाले हैं वो अगर खाना खाकर के बाद में मीठा खाएं तो ये उनके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी मैनेज रहेगा और इस ग्रह की शुभता भी जरूर पाएंगे। गुरुदेव, तेज़ तेज़ खाने वालों के बारे में तो आपने बता दिया, अब जो लोग धीरे धीरे खाते हैं, पूरा चबा के खाते हैं और समय अच्छा लेके खाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो खाते हैं, ऐसे लोगों पर क्या प्रभाव? ये दो तरह के लोग हैं। एक है कि वो जानबूझ करके बहुत स्लो खाते हैं, धीरे खाते हैं, बहुत ज़्यादा चबा के खाते हैं, ये समझदारों की गिनती में आते हैं। और ये लोग लाइफ के अंदर जो भी करेंगे पूरा प्लान करके करते हैं, और इसके बेशक देर सवेर इनके रिजल्ट आए लेकिन आते अच्छे हैं। ये आदत अच्छी है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। और ये मंगल, बुध और केतु की शुभता भी दिखाती है, ठीक है, तो इसीलिए ये शुभ है, तो इनका उपाय भी कोई नहीं, बस ये आदत बरकरार रखिए। लेकिन जो लोग आलसियों की तरह खाते हैं कि कभी रोटी की इधर से बुरकी तोड़ी ऐसे करके चबाना शुरू कर दिया, कभी पूरी बुरकी तोड़ी और सब्जी लगा करके खाने लगे, और खाते खाते भूल गए, बीच में दूसरा ही काम करने लग गए, और फिर ध्यान आया कि मैंने अभी फिनिश नहीं किया, तो फिर खाते हैं, ये बहुत गंदी आदत है। और ये मंगल को दर्शाती है, खराब मंगल को, और खराब मंगल वाले लोग बैठ के खाना ही खाते रहते हैं, होंगे ना, और खाते खाते भूल भी जाते हैं, बीच में याद आए तो फिर खाते हैं, ये चीज़। और इनके खाने खाने का ढंग इतना अटपटा होता है कि बहुत देर, यानी कि एक थाली ख़त्म करने में आधा आधा घंटा तक भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाले मंगल की खराबी होती है, इन लोगों को तले हुए खानों से सख्त परहेज करना चाहिए या कम से कम खाने चाहिए। इन लोगों को परांठे बहुत पसंद होते हैं, इनको तला हुआ बहुत पसंद होता है, और उसके ऊपर अच्छी तरह से नमकीन चटपटा लगा हुआ हो फिर तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो इन लोगों को इससे बचना चाहिए, और ऐसे लोगों को खास तौर पे
मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये लोग के लिए मांस जहर की तरह होता है, और ये लोग अगर मीठे के शौकीन नहीं है, मीठा कम खाते हैं, फिर ये एक तरह का आग जैसा हो जाता है। फिर इन लोगों को दिक्कत क्या होती है, इनको पेट की समस्या होती है, इनको मोटापा की समस्या आ जाती है, आँखों की समस्या आ जाती है, बालों की समस्या आती है। और ये चीज़ साफ इंगित करती है कि आपका मंगल भी खराब है, आपका शनि भी खराब है, आपका बुध भी खराब है, ठीक है। ये तीन ग्रहों की खराबी ये पैदा करता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इन लोगों को हर मंगलवार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते कुओं को ज़रूर डालनी चाहिए। चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखना चाहिए, ठीक है। और इनको तांबे के लोटे के अंदर मूंग साबुत भरकर ढक्कन को बिल्कुल टाइटली बंद करके इनको हर 3 महीने बाद जल प्रवाह करना चाहिए। और इनको हर शनिवार को शनि की वस्तुएं शनि मंदिर के अंदर दान के रूप में ज़रूर देनी चाहिए, तब जा कर के इनके हालात खराब होते हैं। वरना इनकी पेट और आँखों की खराबी इनकी नाकामयाबी भी आपको दिखाएगी। और ऐसे में ये इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है लाल किताब में, बकरियों में पला हुआ शेर, ठीक है, या चिड़ियाघर का शेर, ठीक है। तो ये लोग कभी भी अपनी ताकत दुनिया को दिखा ही नहीं पाएंगे, इनको अपनी ताकत के बारे में पता ही नहीं होता। इसके लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है कि वो हनुमान जी जो अपनी ताकत भूल गए थे, ठीक है। यानी कि इनके अंदर गुण तो सारे हैं, लेकिन इनके अंदर हिम्मत नहीं होती वहाँ तक पहुँचने की। अगर ये अपनी इस आदत को बदलना चाहते हैं, ये उपाय करके इसको बदल के अपनी ताकत दिखा के ज़िंदगी के अंदर ये भी सुपर सक्सेस हो सकते हैं। गुरुदेव, आजकल बच्चों में हैबिट देखिए कि वो गैजेट्स देख देख के खाना खाते हैं, तो ये सही है या नहीं? ये जो आदत है ये है राहु की अट्रैक्शन। ये जितना भी हमारा यूनिवर्स बना है, जितनी हमारी गैलेक्सी बनी है, ये सारी की सारी राहु पे ही टिकी है, यानी गुरुत्वाकर्षण पे, ठीक है। हर ग्रह अपनी कक्षा में ही घूम रहा, बाहर नहीं निकलता। तो ये और आदमी औरत, मेल फीमेल की जितनी भी अट्रैक्शन है, ये भी राहु यानी कि सिग्नल्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और ये गैजेट ये भी राहु है, और यही कारण है कि ये जैसे ही जीवन के अंदर आए, इन्होंने सबसे बड़ी प्रधानता पूरी दुनिया के अंदर बना ली, और इसकी अट्रैक्शन से बंदा बच नहीं सकता। और राहु जब आपको बनाने लगे तो आप इन चीज़ों को बनाने का काम करते हैं, गैजेट्स को, सिग्नल्स को, बाकी सारी इंटरटेनमेंट की चीज़ों को बनाने का काम करते हैं आप जब वो शुभ होता है। लेकिन ये शुभ होते हुए भी आपको सिर्फ इंटरटेनमेंट की अगर आदत पड़ गई, अपनी पसंद की चीज़ें देखने की आदत पड़ गई, और हर वक्त गैजेट्स के साथ में रहे, टीवी के सामने रहे, तो इसे बोलते हैं अच्छा खासा राहु होते हुए भी खराब कर लेना, ठीक है। और ये राहु अगर हमने खराब कर लिया, तो जो हम एक प्रैक्टिकल से जो एक चीज़ निकालते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, और उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके हम जीवन के अंदर जो तरक्की पाते हैं वो सब मिट्टी में मिल जाती है, समझे। तो इसीलिए इंसान को गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए खाना पीना खाना, रोज़मर्रा के काम करना, जब भी फ्री हो तब वो फ़ोन ही देखता रहे, ये आदत कभी नहीं बनानी चाहिए। बच्चों को टीवी की आदत बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप दिखा सकते हैं, आप घंटा दिखा लीजिए, ज़्यादा बात है 1.5 घंटा दिखा लीजिए, 2 घंटे दिखा लीजिए, लेकिन उनको प्रैक्टिकल की आदत डालें, और खाते वक्त, खास काम करते वक्त अपने बच्चों से फ़ोन को दूर रखें। और बड़ों को भी यही चाहिए, बड़ों की भी आदत है जी। कि इधर हाथ में फ़ोन होता है, इधर खाना खा रहे होते हैं, ये लोग कोई भी काम अपना संपूर्ण नहीं कर सकते। ये लोग 100% अपने कामों को भूलते हैं, अपने कामों को पूरा नहीं करते, अपने साथ रहने वालों के लोगों के ऊपर चिल्लाते हैं, इनकी आदतें खराब हो जाती हैं क्योंकि राहु इनके ऊपर हावी हो जाता है। तो इसीलिए अपने जीवन को, अपने घर के वातावरण, काम के वातावरण को हमेशा शुद्ध, साफ और तंदुरुस्त रखने के लिए आपको ये गैजेट की दोस्ती छोड़नी चाहिए, तभी सुखद जीवन होगा। गुरुदेव, आजकल फूड शेयरिंग का कल्चर है, हम अपने ऑफिस में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, कॉलेज में फूड शेयर करके खाते हैं, लेकिन फूड शेयरिंग करना किसके लिए अच्छा है और किसके लिए नहीं, इसके बारे में बताएं। फूड शेयरिंग सबके लिए अच्छा है, समझे, लेकिन शुद्धता का ख्याल आपको स्वयं रखना होता है। अगर आपके जैसे ही लोग हैं, साफ सुथरे, स्वच्छ और स्वच्छ विचारों के, आप उनके साथ अगर फूड शेयरिंग करते हैं,
तो ये ठीक आपको वही असर देगा जो मंदिर में जाकर के माथा टेक के जो आप एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, ठीक वही एनर्जी आपको ये फूड शेयरिंग देती है। लेकिन आप अगर फूड शेयर उसके साथ करते हैं जिसके घर पे कलेश है, जिसके घर पे बीमारियां हैं, जो खुद लाइफ में फेलियर इंसान है, समझे ना, और जिसकी सोच पॉजिटिव नहीं है, अगर आप वहाँ उनके साथ में ये खाना शेयर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ये साफ शब्दों में बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं छुपा रहा बेटा। उसका कारण ये है कि ये सारी दुनिया, ये पूरी गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड, ये एनर्जीज के ऊपर ही चल रहा है। और हर चीज़ में, हमारे पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, चलने में, हमारी फिजिक में, सब जगह एनर्जी ही है, ठीक है। तो मैंने तो बताया कि पॉजिटिव सोच के लोग, आगे बढ़ने वाले लोग और हालात को अच्छा रखने वाले, ज़्यादा काम करने वाले लोग, इनके साथ आप खाना ज़रूर शेयर करके खाइए। और जो जेलस भावना से भरा हुआ हो, जिसके घर पे कलेश हो, बीमारी हो, जिसकी अपने कुलीग के साथ में, अपने घर वालों के साथ ना बनती हो, जो खुद इस तरह के बुरे हालातों में, उसके साथ कभी भी खाना शेयर नहीं करना चाहिए, वरना थोड़ी देर में आपके पास भी वो गुण आ जाएंगे। ये गुण घटते नहीं है, ये बढ़ते ही चले जाते हैं, बुरे वाले। अच्छे वाले बढ़ाइए और बढ़ेंगे सुख देंगे, बुरे वाले बढ़ाइए और बढ़ेंगे दुख देंगे। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखें। गुरुदेव, आजकल कल्चर है, लोग इवेंट्स में होते हैं तो खड़े होके खाते हैं, बुफे सिस्टम हो गया, लेकिन अमूमन हमने सुना है कि आपको नीचे बैठ के खाना चाहिए। तो खड़े होकर खाने से कौन से ग्रह दुष्प्रभाव देते हैं और बैठ के खाने से कौन से अच्छे ग्रह प्रभाव देते हैं? बेटा, ये जो तुमने क्वेश्चन किया है, ये ग्रहों से रिलेटेड नहीं है, ये योग से रिलेटेड है, ठीक है। ये सत्य बात है बेटा कि हर चीज़ की एक साइंस है। हम जब खाना खाते हैं तो अगर नीचे झुक कर के बाद में उठ कर के खाना खाते हैं, जब थाली में से हमने ग्रास लेना है तो झुकते हैं, तो इससे हमारे स्टमक को पता चलता है कि अब कोई खाना आने वाला है जिसको उसे पचाना है, ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ऐसे में हमारा स्टमक बार बार रेडी होता है नए खाने को लेने के लिए। ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि आपके दिमाग में ही सिर्फ दिमाग नहीं है, आपकी बॉडी के हर सेल में दिमाग है। और एक सेल नहीं होता, मल्टीपल सेल एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत सारे दिमाग काम कर रहे होते हैं। तो उनको जो समझाना चाहिए, जो हमने अपनी प्रतिक्रियाओं से उनका दिमाग डेवलप कर रखा है, उनको वो सिग्नल देते रहना चाहिए, ठीक है। तो आप जब नीचे झुक करके ग्रास उठा करके मुंह में डालते हैं, तो इतने में ही अंदर के सेल्स को पता चल जाता है खाना आ रहा है, चलो इसे पकड़ते हैं, और इसके लिए करना क्या, वो उससे पहले से तैयार है, ठीक है। लेकिन जब आप खड़े होकर के खाना खाते हैं, तो उस वक्त में वो बेचारे सेल्स अपना काम कर रहे होते हैं, आप ऊपर से ग्रास डालते हैं, वो सीधा उनके ऊपर जाकर के गिरता, वो तैयार नहीं होते, बेचारे मारे जाते हैं, मामला खराब हो जाता है। जो इंसान खड़े होकर खाना खाता है, उसको गैस, एसिडिटी, कब्ज, इनकी दिक्कत होती है कि आपके अंदर के सेल्स ने पूरा काम नहीं किया, अंदर की वर्क फोर्स ने पूरा काम ही नहीं किया, तो वो लोग बीमारियों से ग्रसित होना शुरू हो जाते हैं, ग्रह चाहे कोई भी हो, ठीक है। और जो लोग बैठ के, नीचे बैठ के खासतौर पर भोजन करते हैं, वो लोग ऑलवेज स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि वो अपनी सेना को इंडिकेट करते हैं कि भाई आ रहा है ये, इसे पचाना, इसका काम करना, ये तुम्हारा काम है, ठीक है। और जो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं और सिर्फ ये बाजू हिलती है, पेट तक ही नहीं हिलता, ये लोग भी बीमार रहते हैं। तो इसीलिए जब भी खाना खाना हो, धरती पे बैठ करके खाना खाएं, एक फट्टे के ऊपर बैठ करके खाना खाएं, और थाली झुकी हुई बिल्कुल नीचे की तरफ होनी चाहिए, ताकि आप झुक करके खाना उठा करके खा सके, तो आप स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे सारी जिंदगी। जिन लोगों को अपच की शिकायत है, जिन लोगों को खाना खाते ही उनका बाहर निकलता है, जिन लोगों को खाना पूरी तरह से हजम नहीं होता और वो खराब करता है, इन लोगों का डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना, खड़े होकर के खाना जहर की तरह है। ये धरती पे बैठ करके खाना खाना शुरू करें, इनकी ये समस्याएं ही खत्म हो जाएंगी, और धरती पे बैठ कर खाना इतना पवित्र माना जाता है। गुरुदेव, कुछ लोग होते हैं कि खाना ठूस ठूस के खाते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? हेल्थ वाइज पता है? हाँ, वाइज से बताइए भाई, अगर घर में हनुमान जी पैदा हुए हैं
तो सीता मैया की रसोई तो वो खत्म करेंगे ही करेंगे। कहते हैं जन्म कुंडली के अंदर मंगल शुभ होकर के पांचवें घर के अंदर बैठा हुआ हो आदमी ठूस ठूस के खाता है। और सच बात है, हम एक गांव में भी गए थे, गए तो एक शुभ कार्य के लिए थे, कहने का मतलब शुभ नहीं था वो तो, लेकिन वहां पर एक खेत से नौकर आया और हमारी भाभी ने एक परात भर के लड्डुओं की दी, कहते ये लो। मैंने समझा शायद बांटने जा रहा है, मुझे पता तब चला जब वो सामने बैठ के वो सारी परात खा गया। फिर उसके लिए खाना आया, पहले उसने लड्डू खाए हैं परात भर के, उसके लिए खाना आया, उसके अंदर पूरियां रखी हुई थी, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 100 तो होंगी, ठीक है, वो और साथ में इतना भिगोना सब्जी का, वो सामने मेरे देखते देखते वो भी खा गया। वो मेरी लाइफ का पहला सरप्राइज था। उसके बाद दूसरा सरप्राइज एक और हुआ, तब तुमने देखा होगा कि पहले ये जो पीसीओ लगे होते थे, क्या कहते थे, हाँ, टेलीफोन लोगों के घरों में लगते थे, वहाँ जाते तो एक इंसान टेलीफोन एक्सचेंज में वो काम करते, तो उनके घर पे टेलीफोन था, तो हम टेलीफोन करने गए थे, छोटी उम्र थी, तो मैंने देखा वहाँ पर इतना रोटियों का ज़्यादा लगा हुआ था, फ़ोन मिलने में देरी हुई, मैं काउंट भी करने लगा तो मेरे सामने 36 रोटी वो खा चुके थे। ठीक है, तो बाद में जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं ज्योतिष में उतर भी गया, तो मैंने स्पेशली तौर पर जा कर के उनकी जन्म कुंडली मांगी और मांग के मैंने देखा वाकई में मंगल पांचवें घर का बहुत ही शुभ अवस्था के अंदर वो बैठा हुआ है। और वो बेशक टेलीफोन डिपार्टमेंट में थे लेकिन बहुत तगड़ा एडवाइजर भी था वो, ठीक है। तो मंगल शुभ हो तो ठूस ठूस के खाते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इन लोगों का एक खास ख्याल रखना चाहिए कि ये लोग अगर साथ में मीठे के भी शौकीन होंगे तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, ये अपने जीवन में तरक्की भी करते हैं, सब जो काम करेंगे परफेक्ट तरीके से करते हैं। और अगर ये सिर्फ नमक ही नमक के साथ ज़्यादा खाएंगे तो भविष्य के अंदर किडनी, लीवर, समझे, या कैंसर, अल्सर, कोई भी बीमारियों के रास्ते ये खोल सकते हैं। तो इन लोगों को ये खाना चाहिए, बेशक खाएं क्योंकि अपने अपने ग्रह, अपनी अपनी ताकत है, लेकिन साथ में मीठे का प्रयोग जरूर करें। गुरुदेव, अभी आपने बताया कुछ लोगों को मीठा या नमक ज़्यादा खाने की आदत होती है, तो इसके बारे में बताई दीजिए, जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं या जो लोग ज़्यादा नमक पसंद करते हैं, चटपटा पसंद करते हैं, उनके बारे में बताएं। मीठा खाना यानी कि शुक्र के प्रभाव में आना, मंगल के प्रभाव में आना, और ये दोनों ही शुभ हालात में हो तो इंसान मीठा चटपटा टाइप यानी कि खट्टा मीठा टाइप खाता है, ये उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये लोग अपने जीवन के अंदर बहुत ही खास सोच वाले होते हैं और लीडर होते हैं, और किसी खास प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके जीवन के अंदर उसको कामयाब बना करके खूब लग्जरी कमाते हैं। दूसरे होते हैं तला हुआ खाना उनको बहुत पसंद होता है, समोसे हो गए, कचौड़ियाँ हो गई, छोले भटूरे हो गए, ठीक है, या जो भी मीठी चीज़ भी तल करके बनती है वो भी, जैसे शक्कर पारे वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है। ये लोग ये बृहस्पति के दायरे में आते हैं और ये लोग भी गुरुओं जैसा ही ज्ञान देते हैं, इसीलिए जब भी कोई ब्राह्मण भोज हम करते हैं या गुरुओं को जब भोजन देते हैं तो पका हुआ देते हैं और उसके अंदर हलवा भी होता है, खीर भी होती है, ठीक है, या और इस तरह के पके हुए व्यंजन भी साथ में देते हैं, पूरी खिलाते हैं, सब्जियां खिलाते हैं, बेटा ये लोग शौक से खाते हैं, ठीक है। तो ये लोग भी अपने कार्य के पक्के होते हैं, लेकिन जो नमक ही खाते हैं, मुंह में मीठा डालते कहते हमारे गुदगुदी देती है, हम मीठा नहीं खा सकते, इन लोगों को थोड़ा संभलना चाहिए। इन लोगों का शनि प्रबल, वो भी खराब वाला, और मंगल खराब होता है, जिसकी वजह से नमक ज़्यादा खाने से इनके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर के अंदर फ्लक्चुएशन, स्वभाव का ज़्यादा अच्छा ना होना, किसी भी काम के ऊपर ज़्यादा देर तक केंद्रित ना रहना, किसी काम के ऊपर ज़्यादा देर तक मेहनत ना कर पाना इनकी आदत में आ जाता है, और जिसके चलते हुए ये हालात में, माहौल में, समाज के अंदर कमियाँ निकाल करके अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। सही मायने में इनकी ही हिम्मत इनके पास नहीं है तो ये इनके लिए खराब होता है। तो ऐसी अवस्था में जिनको नमक ही नमक ज़्यादा अच्छा लगता है और वो नमक के ऊपर, नमकीन के ऊपर, ये पैकेट वाले जितने भी चिप्स वगैरह और नमकीन वगैरह है,
इनके ऊपर जो जोर रखते हैं, ये अपने टेस्ट के चक्कर में अपने ग्रह खराब करके अपनी वर्किंग को खराब करते हैं, अपनी सोच को खराब करते हैं और तरक्की को दूर करते हैं। तो इसीलिए इनको बैलेंस कर देना चाहिए कि जितना आप नमक खाते हैं उतना मीठा भी खाएं, या नमक भी कम खाएं और मीठा भी कम खाएं, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। अगर नमक अंदर जाता रहा तो बेटा जिंदगी में से तरक्की जाती रहेगी, इस बात का खास ख्याल रखें। अपनी फूड हैबिट सुधारेंगे तो आपका फ्यूचर जरूर सुधर जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। गुरुदेव की बताई बातें आपके काम बना दें, और अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 999-999-0522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो जाए, इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहें हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।